हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया। तू है मेरा सैया। काश के हम होश में अब आने न पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए।
काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दे कदम। सारा जहां भूल जाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। सतर्क, फर्स्ट क्राइम इंटरनेशनल सीरीज, दहशत और डर का आमना सामना। नमस्कार, सतर्क के आज के एपिसोड में मैं आपका क्राइम रिपोर्टर जुहेब बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज कोई कहानी नहीं होगी, आज कोई घटना नहीं होगी, आज घटित घटनाओं पर और उनके बीते हुए भयावह कल पर एक नजर डालते हुए देश का भविष्य सुधारने की बात होगी। बहुत अलग शो होने वाला है आज, अपनी कुछ दिल की भड़ास कह सकते हैं, अपने कुछ मत या अपनी बात रखने आया हूं इस शो पे, और रेडियो बहुत अच्छा माध्यम है। मैं और मेरे जैसे बहुत और भी पत्रकार, रिपोर्टर, आरजे, जो क्राइम की दुनिया की चीजों को कवर करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, तिनके तिनके को बटोर कर बड़ी स्टोरी कवर करते हैं। बहुत सफल होते हैं, बहुत असफल होते हैं, कई इसी अंधेरी दुनिया के शिकार हो जाते हैं। एक राजनेता बनने के लिए आज के समय में आपको पता है शॉर्टकट क्या होता है? आज के समय का शॉर्टकट है कुख्यात अपराधी, क्रिमिनल, जिसके पास पावर हो, जिसके नाम पे रंगदारी मिल सके, जिसको हर ट्रैफिक पुलिस वाला सलाम ठोके, हर मंत्री सलाम ठोके, नुक्कड़ वाले, गली मोहल्ले वाले भैया बुलाएं, बाबूजी बुलाएं, या और अपग्रेड हो जाओ तो भाव बुलाएं या अन्ना बुलाएं। कभी कभी कुछ फिल्मों सा लगता है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए ना कि ये चीजें फिल्मों में रियलिटी से ही आई हैं। रियल फिल्में बनी कब? जब लोगों ने रियल फिल्में देखी। आज के समय में कई ऐसे नेता हैं जो इस दुनिया से आए हैं या इस दुनिया से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उनके हाथों में देश की बागडोर देनी चाहिए, उनको कहीं से भी देश का एक लीडर बनाना चाहिए।
और आज के समय में जैसे मीडिया एक तरफा होता जा रहा है, विपक्ष को खत्म करता जा रहा है, ये देश के एक भयावह भविष्य की कल्पना को सच कर देने वाली बात है। और मेरा ये मानना है कि ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के समय में बहुत कम पत्रकार हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछने चाहिए, सवाल पूछना कभी मत खत्म करना। आप लोग हर लिसनर, हर श्रोता से मेरा यही एक विनम्र निवेदन है कि सवाल पूछने की प्रवृत्ति को कभी बिल्कुल 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 कभी खत्म मत करना, किसी भी हालात में, किसी भी शर्त पे, क्योंकि सब कुछ बिक सकता है। आपका जमीर बिक सकता है, लेकिन आपकी अंतरात्मा कभी बिकती नहीं है दोस्त। पलट के आपको क्वेश्चन करेगी ना, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओगे। लिख के देता हूं। बहरहाल बिहार, महाराष्ट्र, कई देश के ऐसे राज्य, यूपी जहां से मैं आता हूं, तो यूपी बिहार कई चीजों में आगे हैं, और उनमें से एक है अपराध। कट्टा हो, AK-47 हो, भैया जी हो गांव के हमारे, बाबू जी है ना, सेठ, मालिक साहब, ये चीजें हैं यूपी और बिहार में। और ये जो वर्ड मैंने बोले, इनको सुनने के लिए आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बंदूक उठानी है, 2-3 मंत्रियों को ठोकना है और आराम से चुटकी बजाते हुए निकल जाना है। इस बात को बिल्कुल भी अमल में मत लाइएगा। तो आज बात करूंगा साध्वी प्रज्ञा की, शहाबुद्दीन अंसारी की और राजा भैया, कई लोगों के मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा कि कैसे देश में आज स्थिति बदलती जा रही है। और इस पे एक मैं आपको अपने कुछ ओपिनियंस दूंगा और आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि क्या अंधभक्ति ज्यादा हानिकारक तो नहीं हो रही हमारे देश में, किसी भी नेता के तरफ या किसी भी लालच के लिए या फिर अपने फायदे के लिए। तो जाइएगा कहीं नहीं, सुनते रहिए सतर्क मेरे यानी सुहेब के साथ, सिर्फ रेडियो उड़ाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ पे, स्टे ट्यून। शहाबुद्दीन अंसारी की अगर मैं बात करूं, सिवान के प्रतापपुर का वो कुख्यात अपराधी जिसके नाम से सिवान पूरा कांपता है। और मैंने ये नाम इसलिए लिया क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में बड़ी भूमिका है इन लोगों की, जो कि होनी नहीं चाहिए देश के राजनैतिक भविष्य को स्थापित करने में। जेल में भी रहता है, जेल में नहीं भी रहता है, एक नारा बीच में आया, दिन में जेल रात में बेल। इनकी धर्म पत्नी, इनकी इनकी लाइफ पार्टनर, इनकी जीवन संगिनी श्रीमती हीना शहाब चुनावी मैदान में, और इनके ऑपोजिट में है कविता जी, इनके पति हैं अजय सिंह और इनके पति हैं शहाबुद्दीन अंसारी, दोनों को ख्यात अपराधी, एक दूसरे के कंपटीटर, एक दूसरे के जानी दुश्मन। तो अब महिलाओं का उपयोग, इन दोनों की धर्मपत्नी का उपयोग, इन ये दोनों अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ऐसा बिहार की जनता का कहना, और मुझे लगता है ये सच भी है। अब शहाबुद्दीन अंसारी का आपको तेजाब कांड याद होगा, मैं इस पर बहुत डीपली आज बात नहीं करूंगा, इसकी कहानी में लेके आऊंगा आपको बाकायदा इनके जो भुक्तभोगी हैं चंदा बाबू, जिनके बेटों को मार दिया गया, तेजाब में नहला दिया गया, रंगदारी ना देने के अपराध में, कैसे पूरी पुलिस व्यवस्था उस टाइम की नतमस्तक खड़ी थी शहाबुद्दीन अंसारी के सामने। स्वयं लालू प्रसाद यादव, जो कुर्ता फाड़ भाषण के लिए जाने जाते हैं, भीगी बिल्ली बने थे, टालते रहे चंदा बाबू को, भगाते रहे, लेकिन ये वृद्ध व्यक्ति जिसने अपने दो बेटे तो खोए, बाद में एक बेटा गवाही देने के बाद जिसकी मौत हुई, इन्हीं मामलों में इनके दोनों भाई खत्म हो गए हार्ट अटैक से और परेशानी के कारण, बहुत टॉर्चर हुआ, अपने घर में नहीं रहते थे इन लोग, पैसे बहुत लेकिन अपने ही पैसे नहीं यूज कर पा रहे थे, ज्यादा लोअर बैकग्राउंड नहीं था, मिडिल अपर क्लास कह सकते हैं, मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर, अच्छी खासी दुकानें थी इनकी। तो
कहानी आपको याद ही होगी, कैसे दो तीन गुंडे आते हैं, पैसे मांगते हैं दुकान में, है ना। वो आपको मालूम होगा, एक पहले प्रक्रिया चली थी, अभी भी चलती होगी, हफ्ता वाली। तो उससे बड़ी होती है रंगदारी, जब आ रहे हैं पैसा ले रहे हैं, आप पैसे दो और हमारे क्षेत्र में अपना काम धाम करो। हमारा क्षेत्र मतलब हमारा यहाँ पे बोलबाला है, हमारा कब्जा है, तो हमारी परमिशन के बिना आप काम नहीं कर सकते। आज के टाइम में भी ये हो रहा है, जो कि एक कड़वा सत्य है। तो पैसा ना देने के कारण वो मारते हैं, और उनमें से उनका जो छोटा भाई होता है वो तेजाब डाल देता है गुंडों पे, और उसके बदले में उन लोग आते हैं बाद में और दोनों को ले जाके तेजाब में नहला देते हैं, मार डालते हैं। ये खबर सबको पता थी, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला शहाबुद्दीन के खिलाफ। वो बंदा आज भी जेल में रहता है, आराम से खाता है पीता है, जेल में बाकायदा अदालत लगाता है राजा भैया की तरह, और फिर भी आराम से जिंदगी जी रहा है। उसको तो सजा भी हो गई उम्र कैद की, लेकिन उनके लिए सबसे सिक्योर चीज होती है जेल। आपको मालूम होगा, जितने भी अपराधी होते हैं उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है जेल, तो वहां पे आराम से रहते हैं सुरक्षा में। राजा भैया के केस में बात थोड़ी सी उल्टी है, उनके ऊपर साबित नहीं हो पाता है, पावर से, जुगाड़ से सारे फेरबदल किए जा सकते हैं भारतीय राजनीति में, जो कि होता आ रहा है। मिलता हूं ब्रेक के बाद, आगे करते हैं बात, जाइएगा कहीं नहीं, बनाए रखिए अपने साथ। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, बिलिया हो दिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, बिलिया हो दिया हो दिया हो दिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, बिलिया ओ दिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, बिलिया ओ दिया। कभी शीत लागा कभी ताप लागा, तेरे साथ का है जो शाप लागा, मन बोराया तेरा चाव लागा, जैसे कोई घाव लागा तेरा चाव लागा, जैसे रास्ते आस्ते चल जरा, रास्ते आस्ते चल जरा,
से कोई घबरा गया, तेरा चाव लगा जैसे कोई घबरा गया। तो राजनीति में कैसे इनका अस्तित्व आता है कि भाई पावर होता है, आराम से विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। शाहबुद्दीन अंसारी लगातार बना राजा भैया अपने क्षेत्र के, आप जान रहे हो 25 साल से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि दिल्ली की तरफ उन्होंने जानबूझ के कूच नहीं की, अपनी जगह पे खुश हैं सब बोलते हैं। राजा भैया के भी काफी केसेस आपने सुने, मारकाट मगरमच्छ वाली कहानी सब कुछ। और ये जो लोग हैं इनसे सरकार दुश्मनी इसलिए नहीं लेती है क्योंकि सरकार का मानना है कि इनकी वजह से सरकार को भारी समर्थन मिलता है। और भारतीय भ्रष्ट राजनीति में ऐसे भ्रष्टाचारियों का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने भ्रष्ट बोला है इसलिए भ्रष्टाचारियों का होना जरूरी है। अभी आपको याद होगा साध्वी प्रज्ञा ने एक बयान दिया, लगातार बयान में बनी रहती है। मुझे यही समझ में नहीं आता कि क्या हो गया देश में कि अब साधु और संतों को राजनीति में आना पड़ रहा है। हमारा देश इतना तो परंपराओं और विचारों के मामले में गरीब कभी नहीं था, न है न रहेगा। देश में बड़े बड़े सन्यासी हुए, बड़े बड़े उपदेश देने वाले लोग हुए, परम पूजनीय बुद्ध हो गए, बहुत लोग हुए। ऐसा क्या हुआ कि साध्वी प्रज्ञा और कई सन्यासियों को आना पड़ रहा है? इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि आरएसएस में शायद ऐसे लोगों को पनाह मिल जाती है। मैं पूरे संघ पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन संघ की हिस्ट्री आप कभी पढ़िए तो संघ को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। मालेगांव के आरोपी हैं और इनपे काफी चीजें साबित हुई हैं, कुछ होना बाकी है। अब हर कोई तो अमित शाह नहीं होता है ना कि लोया को मरवा दो और आराम से केस रफा दफा कर दो, बट फैक्ट पे बोलना चाहिए, तो मैं फैक्ट पे ही बात कर रहा हूँ। अभी इन पे केस चल रहा है और बीजेपी ने इनको दिया है टिकट भोपाल से, और खुद बीजेपी के बड़े गद्दावर नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाई नापसंद कर दिया इनको। तो आप सोचो, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं साध्वी प्रज्ञा से घृणा करता हूँ, इनके इस ट्वीट से, इनके इस बयान से, और मैं भविष्य में इनको कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा मन से। तो अगर एक तरफ प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं और दूसरी तरफ प्रज्ञा चुनाव में बनी हुई तो भी तो सवाल ही निशान होता है। बहरहाल इन्होंने कहा क्या कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था। ये कहना बहुत बड़े देश के लिए अपमान की बात है। इतिहास में सबके खराब दिन आए, सबके अच्छे दिन आए, सब में बुराइयां थी, लेकिन फिर भी लोकमत जनमत तो यही कहता है कि गांधी हमारे बापू थे, और उनको मारने वाला अगर देशभक्त है तो ऊपर वाला इन जैसे वक्ताओं की बुद्धि को
नष्ट करके सद्बुद्धि दे। और जब सन्यासी, मुझे ये नहीं समझ में आता जिस फील्ड में लोगों को होना चाहिए उस फील्ड में बोलना चाहिए, सन्यासी हो के आप राजनीति शास्त्र की बात करते हो तो भी थोड़ा पढ़ के बोलो। ये मेरे आज आपको कुछ ओपिनियंस हैं और आप देखिए तोलिए। कांग्रेस, बीजेपी, देश की कोई भी पार्टी हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिल्कुल भी नहीं है। हर पार्टी में कोई ना कोई हुआ, और देश की राजनीति में आपको मालूम होगा संजय गांधी जैसा कट्टर नेता हुआ, इमरजेंसी लगाई, जल्दबाजी में काम हुआ, तब पूरे देश की स्थिति बदली, विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लगभग छीन सी गई, जेलों में डलवा दिए गए लोग। 1984 में स्वर्ण मंदिर का कांड हुआ, घटनाओं की स्थितियों की बात करता हूं मैं, कारण पे बात नहीं करता, कारण कुछ भी हो सकते हैं, सबके अपने अपने मत हैं। इसके बाद फिर आपको मालूम है कि जो नरसंहार हुआ सिखों का, वो आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। तो इन सब चीजों में हमें पार्टियों से ऊपर होके सोचने की जरूरत है। इंसान मरता है, इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। मिलता हूं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता सुनाता क्या
मेरे यारों को सुनाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, एक नजर तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही मेरी वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स ये गजल है जो कि गाई है, ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बताऊंगी कि उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने इस गजल को गाया है और इतनी ज्यादा खूबसूरती से गाया है कि जिस तरह से वो गाते हैं उनके जो सुरों का अंदाज है, जो वो गजलें हों या कोई गाने हो या नगमे, जिस तरह से वो सुर लगाते हैं मुझे लगता है उसको छू पाना भी बहुत बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है और आई होप आप सबको पसंद आए। जान सका तू मुझको, पास रह कर भी ना पहचान सका तू मुझको, दूर से हाथ हिलाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को लगाता क्या है। थैंक यू। राजा भैया की भी अपनी कहानी है, इनका किसी भी राजनीति दल से कभी कुछ हुआ नहीं, कुछ दुश्मनी वाली बात नहीं हुई, सबसे मेल मिलाकर चलते हैं, जिसके कारण ये बड़े सुख में हैं। पावर में आने के लिए बहुत लोग राजनीति में आते हैं क्रिमिनल बनने के बाद। आनंदपाल सिंह हो गए, लालू यादव का भी काफी इतिहास रहा है, कई ऐसे केसेस हुए। संविधान कहता है कि कोई केस नहीं होना चाहिए किसी भी प्रतिनिधि पे, लेकिन आज लाखों करोड़ों केस करोड़ों नेताओं पे हैं और सब बाकायदा पद पाने के बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं, जज हार्ट अटैक से मर जाता है और आराम से चलती चीजें। नेपोटिज्म भी चल रहा है, संजय गांधी जैसा नेता है ना, लालू प्रसाद या फिर आरएसएस के कुछ कट्टर लोग, तो इन्होंने पूरे देश की स्थिति को बिगाड़ रखा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि निष्पक्ष होके सोचिए और स्पेशली क्रिमिनल को कभी देश के बागडोर ना दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। साध्वी प्रज्ञा का आपको भी बयान याद होगा, हेमंत करकरे को उन्होंने बोला कि मेरे श्राप से मरा, ये बहुत ही निंदनीय चीजें हैं। बंगाल में ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी जाती है, अब वो कहीं से भी टूटी हो लेकिन नुकसान
विचारधाराओं का होता है, नुकसान परंपराओं का होता है, नुकसान जज्बातों का होता है, धरोहर का होता है। तो शायद देश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अब राजनीति के आगे हम जान की कीमतों को बड़ा कम आंकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी का भी बड़ा राजनीतिकरण हुआ और अभी अलवर गैंगरेप उसका भी बड़ा राजनीतिकरण हुआ। तो सारी चीज़ें चल रही हैं और क्राइम और राजनीति का एक अपना ही किस्सा है, अपना ही मेल है। तो कई जगह देश से, कई निर्वाचन क्षेत्रों से कई अपराधी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आप संभलिए, उनसे जवाब मांगिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कल को वो आके पूरे निष्ठा से काम कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जब निष्ठा से अपने बुरे वक्त में काम नहीं किया तो अच्छे वक्त में तो सभी, अधिकतर लोग अच्छे वक्त में तो ईश्वर को भूल ही जाते हैं। तो सोचिए, विचारिए, आगे आपको सुनाऊंगा कुछ और केसेस, तेजाब कांड और काफी चीजें। तब तक के लिए बने रहिए, मिलता हूं एक ब्रेक के बाद। करके रंग तेज मेरी पीक रंग में रंग
से पानी में तूने कौन सा रंग घोला है ये कौन से पानी में तूने कौन सा रंग घोला है कि दिल बन गया सौदाई मेरा बसंती चोला है मेरा बसंती चोला देश को सोचने की जरूरत है, हम सबको सोचने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। और क्राइम की दुनिया से कई ऐसे लोग निकल रहे हैं जो आराम से देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। मुख्तार अंसारी, मैं कैसे नाम भूल सकता हूँ ऐसे व्यक्ति का, जिसके घर ने उपराष्ट्रपति दिए, जिसके घर ने स्वतंत्रता सेनानी दिए, और उस घर का व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी बन जाए, सोचने वाली बात है। राजा भैया के घर से भी स्वतंत्रता सेनानी, मुख्तार अंसारी के घर से बकायदा देश के बड़े आर्मी के लोग, तो बड़ा अचंभा होता है कि कैसे। और उसके बाद लोगों को, ऐसे लोगों को शरण भी मिलती है सरकार की, सरकार इनके आगे नतमस्तक होती है, तो ये देश का गिरता हुआ स्तर है। बहरहाल, अपने सुझाव देने के लिए मुझे इंस्टा पे कॉन्टेक्ट करें, जुहेब खान के नाम से हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, स्काइप आईडी है zuheb.khan1999। और बने रहिए, सुनते रहिए सतर्क, खुश रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, और ऐसे ही रेडियो उड़ान पर बने रहिए, सुनते रहिए। मिलता हूँ अगले हफ्ते किसी और कहानी के साथ, किसी और किस्से के साथ, किसी और ओपिनियन के साथ। जाइएगा कहीं नहीं, मिलता हूँ अगले हफ्ते, अपना रखिए ख्याल, बाय बाय, शब्बा खैर। सजदे करें मस्ती कन्ना नू हाथ लावे पहले फेर नमाज ते नीति दुनियादारा रब दे नाल वी 400 वीते कीती अल्लाहू We'll be right back.
कर बंदियां मेरी मेरी हो ना कर बंदियां Allahu, 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 Allahu.